राज सिंहासन है, आज देश देश के सुर भी आएंगे मेरे भैया के राज दरबार में, वहाँ पहुँचना है फूला। हाँ स्वामीनाथ, मुझे भी अपने दीदी माँ के पास पहुँचना है स्वामीनाथ। फूला हाँ स्वामीनाथ, दीदी माँ के पास पहुँचो, मैं अपने भैया के पास पहुँचूंगा। अगर किसी प्रकार की मुसीबत पड़ जाए, स्वामीनाथ किसी प्रकार की आफत आ जाए, तो एक बार मेरे मोबाइल पर 95 34 80 6000 पर मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। क्यों नहीं स्वामीनाथ, मैं अवश्य आपकी मोबाइल पर मिस कॉल कर दूंगी स्वामीनाथ। जब दिल चाहता यह झुमका वाली लिया तो बोला, हो मंगल भैया काल तुम्हारे हिसाब है था। जब दिल चाहतो मन मोहने गई रुदल के बुलाबी है, जब दिल चाहते चलो आजाद भैया को तो छोड़ ही दिए, जो उतना दूर से चलकर बेचारे आए हुए हैं मेरी अर्धांगिनी। हमारे कंपनी साहब को 100 रुपए के पुरस्कार सुनवाते हैं। आजाद कुमार जी फ्रॉम मथुरा से चलकर इस पावन धरती पर आए हैं, हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो भैया की अदालत में चढ़ते हैं। चलिए स्वामीनाथ भागले के चले छे फूला दीदी सब ये चले भैया की अदालत में चलते हैं। दीदी राज दी शाबाश स्वामी जी साइकिल गैरेज फ्रॉम कटैया। अगर आपका किसी प्रकार की गाड़ी का स्प्लेंडर हो, चाहे बजाज या बुलेट खराब हो गया है, तो आप देवन मोटरसाइकिल से संपर्क करें। आपका गाड़ी जो बना देगा तो 1 साल तक का गारंटी है। जिन्होंने 21 रुपए पुरस्कार से नवाजते हैं नवाजने के लिए लाख लाख सुरालिश, जिसके प्रोपरेटर भाई सुभाष भाई साहब फ्रॉम कटैया, धन्यवाद। देश के वो रयक बसती पर गई ताकि शररी पर गना, वहां का जी जोधा था बिरजा शर था ना, Thank you.
जी आला रुदलना मेरा घर पड़ता है किला मोहब्बा में। मेरे पिताजी का नाम स्वर्ग बिरजासर सिंह है, मेरा ही नाम अमरपति आला है। मेरे छोटा भाई का नाम जंगी रुदल है, क्योंकि एक काबनो किला का छतरी मेरे भाई को खुनिया कहकर के पुकारता है, बल्कि नहीं वह मेरे लिए खुनिया नहीं है, प्रिय अनुज छोटा भाई है। क्योंकि मेरे भाई इशराज मोहब्बे की लोहे की टाट है। अजमलैया बोडा महाबाय राजा, अजमलैया बोडा किलय महाबावे, ए क्या हाल है? हाँ पिताजी, कैसे रहते हो? अल्लाह आपका कृपा से मैं बहुत अच्छा से रहते। दसना जोरी पिता करिया अल्लाह। एक बात बताओ, इस टाइम रुदल कहाँ है? कहीं गया होगा घूमने फिरने के लिए पिताजी। घूमने फिरने गया होगा? हाँ ठीक है अल्लाह, आज मैं कुछ काम से आया हूँ अल्लाह, कुछ दान मांगने आया हूँ, कोई मिल जाएंगे क्या पिताजी? हाँ बोलो। आप दाने का बात करता है, आप आला सिंह को सर मांगने का कोशिश अगर किया तो ये सर देने वाला है आपको। ठीक है लो, तो पहले सत्य करो तो। पिताजी क्या मेरा तो नाम सतबादी है। हाँ सत्य करने से क्या होगा प्रभु? अल्लाह आजकल यह घनघोर कलयुग बीत रहा है, घनघोर कलयुग में किसी का विश्वास नहीं, कब कौन क्या करेंगे। सत्यवादी करने से नहीं होता है, करने से होता है। यदि तुम्हें दाना करब सोना हो रजनो, यदि तुम्हें दाना करब सोना हो रजनो, आगे तुम्हें कर सत्य पीछे मांगब दाना, पहले सत्य करो तो। ठीक है, मैं आपका साथ में मैं सत्य करता हूं। ठीक है करो, सत्य करो। राघु कुमारी सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। प्राणा जाई पर वचन नहीं जाए। अहो साखी रैया साखी हो रैया, अचानक हो शुरू जाओ, राजा रे कैलाया सत्या हो
अल्लाह, आज मैं जा रहा हूँ मक्का मदीना हज करने, मुझे एक छोटा सा बालक चाहिए, मिल जाएंगे क्या? पिताजी क्या बोलो? क्यों नहीं मिलेगा, मैं अपने बच्चा इंदल कुमार को आवाज लगाता हूँ, मैं आपको साथ कर दूंगा, आप मेरे पुत्र को लेकर के। अल्लाह, मुझे इंदल कुमार नहीं चाहिए, मुझे रूदल का जो पुत्र है इंद्रजीत का, इंद्रजीत कुमार वो चाहिए, क्योंकि 12 बरस का लौंडा है इंदल कुमार, वहां मैं हज करने जाऊं या लड़ाई झंझट करूं, मुझे इंद्रजीत कुमार चाहो नहीं हो जाओ। पिताजी हाँ बोलो। वह तो 5 वर्ष का बच्चा है, वह कैसे जा सकता है मक्का मदीना? मैं साथ में हूं ना, कुछ नहीं होगा बच्चे को, जाओ ले जाओ। तो पिताजी क्या वह बच्चा तो मेरा है नहीं, अच्छा है तो मेरे भाई का, आप 5 मिनट तब तक आराम कीजिए, मैं अपने भाई को बुला करके सलाह कर लेता हूँ। एक छोटी सी काम के लिए भाई से सलाह मशवरा, इसके बाद बच्चा को हाजिर करूँगा। अरे अल्लाह, अगर देना है तो दे दो और नहीं दे तो कह दो, नहीं दूंगा मैं, चलता हूँ। अल्लाह, रास्ता क्यों रोका तुमने? इसलिए मैंने पहले कहा मैं जाना था रघुकुल में, घर वीर सत्यवादी है, मैंने सोचा था मेरा दोस्त का पुत्र आजकल सत्यवादी है, लेकिन नहीं, मैं जाना था रघुकुल में, घर वीर सत्यवादी है, लेकिन मुझे यकीन हुआ ये कायर चली ये गाती है। सलाम मशवरा करूं, छोटी सी काम। पिताजी मैं कायर नहीं हूं, कायर का काम न करता हूं, मैं अपने भाई को बुलाता हूं, सलाह कर लेता हूं। ठीक है भाई को बुलाओ, 5 मिनट के अंदर में, अगर 5 मिनट के अंदर में तुमने बच्चा को हाजिर नहीं देखा अल्लाह, तो कान खोल के सुन लो, अगर इस बुढ़ापे में मैं राज महापा को शमशान घाट न बना दूं, तो मैं राम सैयद एक गिरता होकर छुटका न बना दूं, मैं आ रहा हूं लौट के अल्लाह, कान खोल के तुम सुनो, मैं आ रहा हूं, देखता हूं कितना दानी और धर्मात्मा बन गया, कल का छोकरा दानी, कल का छोकरा दानी धर्मात्मा। हे भगवान, पिताजी ने सत करवा करके ये क्या ने क्या मांग किया। हेलो, और आप हैं बेरोजगार चौमीन बाला प्रॉम केशव नगर जुलनिया, अगर आपको सुंदर चौमीन खाना हो या बर्गर खाना हो स्वादिष्ट, तो आप बेरोजगार चौमीन वाला से मिलिए, जो प्रेपरेट आप है त्रिभुवन कुमार जी, जिन्होंने 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं, नवाजने के लिए लाख लाख शुक्र, जो लाइट के पास लगी हुई है, एक बार चौमीन खाकर देखिए तो आपका मन चटपटा रह जाएगा। धन्यवाद। मैं अपने भाई को आवाज लगाता हूं, जो इसमें मेरे भाई न जाने कहाँ है न है, भाई
शादा पागला है भाई सुमित कुमार जो जिला कार्यालय के ये हमारे साहब हैं जिन्होंने 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं सुमित कुमार जिला कार्यालय सुपौल से चलकर इस पावन धरती बतना में 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं इस कलाकारी पर। जय हिंद जय भारत भाई सुमित कुमार जी को धन्यवाद। सुन रहा हो भागले जे जे छै